गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की सुबह हुई इस पार्सल के साथ। मैंने दराज से कुछ मंगवाया था तो वो आ चुका है और उसको मैं लेकर ऊपर आ गई हूँ, लेकिन उसको देख के मुझे गुस्सा आ रहा था कि ये क्या है। इसको मैंने गुस्से से फेंका। ऊपर से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और मेरे कमरे का ऐसे हशर नशर हुआ पड़ा, पूरा बिखरा पड़ा, सफाई करने का दिल ही नहीं कर। तो हमने अभी ना दवाई लेने जाना था, लेकिन जहाँ पे जाना था वहाँ पे अभी तक डॉक्टर नहीं आया था। फिर पहले हमने सोचा कि कुछ शॉपिंग की जाए, तो मैं ना ये तीन शॉप्स पे गई, केसरिया और फरवाज, लेकिन वो कहते हैं ऊंची दुकान और फीका पकवान, यहाँ पे सेम ऐसा ही था। फिर उसके बाद हम आए लाइम लाइट पे। यहाँ पे मैंने कपड़े काफ़ी देखे, लेकिन मुझे समझ यहाँ से भी नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे चाहिए था 3 पीस और यहाँ से मिल रहे थे 2 पीस। फिर यहाँ से भी मैं निकली, हम लगे थे अब बताओ क्या करना। मैंने कहा आगे चलो आगे से देखते हैं, कुछ नहीं समझ आया तो चलो दूसरी साइड पर चले जाएंगे। वहाँ पर भी काफ़ी हैं, गुल अहमद है, जे डॉट है, मतलब काफ़ी ब्रांड्स हैं जिनके वहाँ पे आउटलेट्स बनी हुई हैं। तो लेकिन हमने कहा चलो यहाँ से पहले देख लेते हैं। यहाँ से फिर फाइनली ना मैं अलमीरा इधर आई, तो यहाँ पे मैंने काफ़ी कपड़े देखे, ट्राई भी एक आधा किया, लेकिन ये मुझे कुछ खास नहीं लग रहा था। अच्छा था लेकिन मुझे नहीं लग रहा था। तो फिर मुझे फाइनली कुछ पसंद आ ही गया, वो मैंने ले लिया। वो मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं पहनूंगी। तो यहाँ पे मुझे ये ना स्मेल करवा रहे हैं कि हम ना ये डिस्काउंट के लगे हैं, तो आप देखिए मैंने काफ़ी देखी। मुझे कुछ नॉर्मल सी ही लगी थी, लेकिन मैंने नहीं परचेज की, क्यों क्योंकि ये मेरी रेंज से कुछ ज़्यादा ही बाहर थी, कुछ और ही ज़्यादा ओवर ही हो रही थी। तो फिर हमने कार्ड दिया पेन कर दिया, ज़रा मैं ना कपड़े देख लूँ, क्योंकि मे बी मैं एक आधा और ले लूँ। तो ये मैंने ना ये सूट देखा, ये मतलब जिस तरह का लग रहा था उसी हिसाब से इसकी प्राइस या कुछ ज़्यादा ही कॉस्टली थी। तो फाइनली मैंने अपना ड्रेस ले लिया और यहाँ से मैंने करी। फिर जब सूटी है तो फिर आपको चाहिए और चाहिए, तो दो तीन गई, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आई, पता नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मुझे ये लग रहा था या पता नहीं क्या चीज़ है। तो मैं वहाँ से प्रॉब्लम ले ली जब, और मैं आ गई हॉस्पिटल। यहाँ पे डॉक्टर से कल मैंने कहा पहले अपना वही चेकअप करवाना ज़रूरी है, तबीयत ठीक होगी तो कुछ पहना भी जाएगा और खाया भी जाएगा। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो फ़ायदा, लेकिन शुक्र है राशि नहीं था, मुझे ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ा। लेकिन हाँ, जहाँ से मैंने पर्ची बनवानी थी, टोकन जिसको कहते हैं, वहाँ पर जो है डॉक्टर डॉक्टर नहीं आई थी कि रिसेप्शनिस्ट, हाँ, तो वो पता नहीं किधर गई थी, मुझे काफ़ी उसका वेट करना पड़ा। तो फाइनली आई, आने के बाद भी उसकी बातें औरों से ख़त्म ही नहीं हो रही थी। भाई मैं ये वैसे कहना चाहिए कि अपनी जो रिसेप्शनिस्ट है उस पर ध्यान दे, भाई बातें बहुत करती है, काम काम और बातें ज़्यादा। यहाँ पे इसने मेरे साथ बहस की कि 800 दें, ये दें, वो दें, तो मैं कहा भाई 500 ही देते हैं, और 500 ही देना हमने लेना है तो ठीक है, नहीं तो फिर डॉक्टर से भी सीधा बात कर लेते हैं। तो फिर फाइनली इसने मुझे दे दी, और मेरा ना अपॉइंटमेंट कराया, छोटा मोटा मिनी व्लॉग यार के लिए थोड़ा लेकर आए हैं। तो वो भूख ला रहे हैं, ये बंदा कहीं से भी अपनी खुद की जान नहीं छोड़ सकता, कुछ भी हो जाए, जो मर्जी हो जाए। तो मैं यहाँ पे इनके पास बैठ गई, ये फिर भी फ़ोन में लगे हुए हैं। तो मैं अपने पाँव को देखने लगी, मन का कितने काले काले लग रहे हैं, कोई हाल नहीं है, गंदे हुए पड़े हैं, ध्यान अपनी मस्ती में लगा हुआ है। पूरे हॉस्पिटल में इतने जो है ना सुकून फिरती के लिए नहीं है बैठा, कभी इधर जा रहा कभी उधर जा रहा। मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया, इतनी दवाई लिखी हो गया, लेकिन उससे पहले मुझे लगा इतना मोटा सा इंजेक्शन, ये आंटी जो है ये इंजेक्शन ही मेरा रेडी कर रही है। फिर मुझे लगा उसके बाद हम गए ध्यान में कि यहाँ से भी मेरे बात हुई हुई है। मैंने कहा चलो जनाब भी उठ जाए, उठे ना उसने मुझे बहुत तंग किया। तो फाइनली मेरी मेडिसिन ली, मुझे कह रही थी उसको बुलाने की कोशिश की, वो नहीं आई। फिर मेरे मम्मा का भी घर पास ही था, बिल्कुल ही पास था, तो मैं अपनी मम्मा तरफ आ गई क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब लग रही थी। ज़ियान इनके घर भी अपनी मस्ती में यहाँ पे ज़्यादा खुश रहता है। फिर मैंने खाना खाया, उसके बाद मुझे फिर भूख लग गई। रात के 12 बजे मैंने बर्गर मंगवाया, लेकिन बर्गर आए और बर्गर के साथ बोतल ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने एक बाइट ली, बहुत मज़े की लगी। फिर उसके बाद मैंने बोतल में का गिलास में डालूँ, मज़े के साथ खाऊँ, तबीयत तो जो है ख़राब, वो तो है। तो ये वीडियो होती है यहीं पर ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।